सरमन सुना भी होगा, शायद नहीं भी सुना होगा, या किसी के लिए ये चीज नई होगी, और यकीन मानिए कि परमेश्वर की आत्मा हर दिन हर समय नई होती जाती है। परमेश्वर का वचन अगर आप एक वर्ष को लगातार 10 साल भी पढ़ेंगे तो आपको 10 साल हर दिन एक नया मतलब समझ में आएगा। हालेलुया। बताते हैं कि अगर इस बाइबल को पूरा लिखा जाता या पूरा इसका वर्णन किया जाता या प्रभु यीशु मसीह के बारे में पूरा बताया जाता या परमेश्वर के बारे में पूरा बताया जाता या आत्मा के बारे में जो पवित्र आत्मा है बताया जाता तो ये धरती कम थी उसका वर्णन करने के लिए। हालेलुया। एक छोटे से रूप में परमेश्वर के वचन, पवित्र आत्मा और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के बारे में हम जान सकते हैं कि क्या है असलियत, क्या है सच्चाई। हालेलुया। और जब परमेश्वर के वचन में जा रहे हैं आप सोच रहे कि अभी तक हम वचन में पहुंच क्यों नहीं पा रहे। मैं पहले वो चीजें तैयार कर रहा हूं ताकि आपके जब मैं खाना डालूं तो आपके पास प्लेट हो। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ रहे हैं तो जल्दी से निकालेंगे बाइबल में से मरकुस की इंजील, उसका 4 अध्याय उसकी 35वीं आयत, 4th chapter verses 35। उसी दिन जब सांझ हुई जी चेलों से कहा आओ हम पार चलें। गौर से सुनिएगा मरकुस की किताब उसका 4th chapter उसकी 35 वर्स में और उसके बाद कुछ ऐसा लिखा है। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा जी आओ हम पार चलें। आगे बढ़िए एंड तक और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वे था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा हे गुरु क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा शांत रह थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं। वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। जब सांझ हुई तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि आओ उस पार चले। उस पार जाने का मतलब यह है कि वो किसी कोने में थे जहां पर बहुत सारी भीड़ थी और जहां पर वचन बताता है कि जब जहां से यीशु मसीह निकलते थे एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हुआ करती थी, और जब बड़ी भीड़ होती थी तो वो प्रभु यीशु मसीह से आशीष पाने की कोशिश करते थे। बहुत से लोग क्या करते थे कि प्रभु यीशु मसीह से चंगाई पाने की कोशिश करते थे, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ देखना चाहते थे कि ये कौन है। हालेलुया। तब जब उतनी सारी भीड़ थी तब प्रभु यीशु मसीह ने उस बड़ी भीड़ में से अपने चेलों को बोला कि आओ उस पार चलते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते थे तो वो कुछ ऊंचाई पे हुआ करते थे, वो नाव पर चढ़े हुए थे और वहीं से उन्होंने बोल दिया अचानक से कि आओ हम उस पार चलें। उस पार क्या, प्रभु यीशु मसीह के संग निरंतर पवित्र आत्मा बनी रहती थी और पवित्र आत्मा ने यीशु नाव को डुबा रहा है। तो वो भागकर गुरु के पास गए, हे गुरु क्या तुझे चिंता नहीं है कि हम डूबे जा रहे हैं। तब प्रभु यीशु मसीह ने उस जगह पर एक कार्य करके दिखाया, और वो कार्य क्या है, अधिकार दिखाया। कोई बोले अधिकार दिखाया। हालेलुया। ये अधिकार हर किसी के पास नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आत्मा आपको वो अधिकार दे कि आप दुष्ट आत्माओं को निकाल सको या मौसम को बदल सको तो परमेश्वर से मांगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने वो अधिकार दिखा दिया और बोला कि आंधी और तूफान थम जाए। और जब वो नाव चली थी तो मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था, शुरुआत में बताया था कि यीशु मसीह के पीछे भीड़ भी चलती। अब सिर्फ यीशु मसीह के पास नाव नहीं है, वहां पे और लोग भी थे जिनके पास नाव थी। जब वो जिस तट से उस तट जा रहे थे तो और भी नाव साथ में थी। तो जब उन्होंने ये चीज देखी तब उन्होंने बोला कि ये कौन है। हालेलुया। कोई बोले हालेलुया। उसके बाद
जब वो वहां पर पहुंचे तो अब नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं कि एक्चुअल में हम क्या सीखने वाले हैं आज की शाम। आखिरी आराधना किसे बोलते हैं जी, निकालेंगे चैप्टर 5 बुक ऑफ मरकुस की किताब उसका 5 अध्याय 1-20 तक कोई बुलंद आवाज में पढ़ दे। वे झील के पास गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वे नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकल कर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था। एक सेकंड, हम किस मनुष्य की बात कर रहे हैं कि वहां पर एक मनुष्य था जिसमें क्या थी? अशुद्ध आत्माएं। अगर आप पढ़ेंगे उसमें आत्मा नहीं लिखा है। हालेलुया। जल्दी से मेरी एक स्लाइड को चेंज करेंगे। अब आगे एक बार पढ़ेंगे। जी 1-20 तक हम पढ़ रहे हैं, पीछे आइए। क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। वो बार बार बेड़ियों से और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े कर दिए थे। जी पूरा पढ़ दीजिए। और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा न दे, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश के बाहर ना भेज। वहाँ पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सुअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकल कर सुअरों के भीतर बैठ गई। और झुंड जो कोई 2000 का था कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांवों में समाचार सुनाया और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। यीशु के पास आकर वे उसको जिसमें दुष्ट आत्माएं थी अर्थात जिनमें सेना समाई थी कपड़े पहने और सचेत बैठे देख डर गए। देखने वालों ने उसका जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और स्वरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उससे आज्ञा न दी और उसे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर दीका पुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए और सब लोग अचंभा करते थे। हालेलुया। कोई बोले हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना अधिकार दिखाया तो दुष्ट आत्माएं भाग गई। दुष्ट आत्माएं शरीर को छोड़ के चली जाती है। अब हम इसको सीखेंगे कि एक्चुअल में या वास्तविक रूप में ऐसा क्या हुआ था कि जब उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह का सामना किया तो उसमें से दुष्ट आत्माएं निकल के चली गई। किसी के पास से सिर्फ एक चीज नहीं जाती है कि मैं सिर्फ झूठ ही तो बोलता हूं और क्या, ये भी एक दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। लालच करना एक दुष्ट आत्मा है। अगर आप सोचेंगे कि ये कैसे दुष्ट आत्मा है, आप लालच करते रहिए। एक दिन आप रबर का लालच करेंगे, एक दिन पेंसिल का लालच करेंगे, एक दिन साइकिल का लालच करेंगे, बाइक का करेंगे, गाड़ी का करेंगे, और ऐसे करते करते ये लालच आपको पाप की ओर ढकेल देगा। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। अब हम जल्दी से वापस फर्स्ट पे आएंगे और मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्लाइड चेंज करेंगे, कि किस प्रकार से जब यीशु मसीह उस नाव में जा रहे थे, आप देख सकते हैं। और नाव में जाते वक्त वो लोग बहुत शांत थे। नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। और शांत के बाद जब शैतान भी नहीं चाहता था कि वहां पर यीशु और यीशु के लोग पहुंचे, दुष्ट नहीं चाहता था कि किसी भी प्रकार से कि परमेश्वर और परमेश्वर यीशु मसीह और उसके लोग वहां पर पहुंचे, क्योंकि शैतान का उस जगह पे
उस तट से उस नदी के दूसरी तरफ बहुत अच्छा कंट्रोल था। वहां पर सिर्फ एक दुष्ट आत्मा नहीं थी, बहुत सारी, लेकिन एक व्यक्ति में थी। हालेलुया। वो ऐसा नहीं होता कि जब किसी में दुष्ट आत्मा है तो वो अपने सेंसेस में नहीं होता, वो सेंसेस में होता है, वो होशो हवास में होता है। इसीलिए लिखा हुआ है कि वो बहुत बार जंजीरों से और साथियों से बांधा गया और रात में क्या करता था, कब्रों में सोया करता था और पहाड़ों में चिल्लाता था। अगर आप ऐसे कोई व्यक्ति को देखेंगे जो रात दिन कब्रों में पड़ा रहता है, कब्र क्या होता है, ग्रेवियार्ड, जहां पर मुर्दे रखे जाते हैं, मुर्दे जलाए जाते हैं, हालेलुया, वहां पर वो रहा करता था। आप सोचेंगे अगर किसी व्यक्ति को वहां पर 24 घंटे रहता हुआ देखेंगे जो जंजीरों से बंधा हुआ है, तो आप बोलेंगे कि ये तो व्यक्ति पागल है। ये अपना संतुलन खो चुका है। वो व्यक्ति जब सेंसेस में आता था, जब होश में आता था, तब अपने आप का दुख प्रकट करने के लिए अपने आप को पत्थर से घाव करता था कि किसी प्रकार से जो मेरे अंदर चीजें हैं वो निकल जाए और मैं निरंतर परमेश्वर के नाम की महिमा स्तुति करने लगूं, क्योंकि हर कोई जानता है कि परमेश्वर कौन है और परमेश्वर का पुत्र कौन है और पवित्र आत्मा क्या है। लेकिन उसको ये मौका नहीं मिल पाता क्योंकि यीशु मसीह कहीं और थे। पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को बताया कि तू इस बड़ी भीड़ को छोड़ और उस बड़ी भीड़ में जा जहां पर एक व्यक्ति अकेला फंसा हुआ है। आज की शाम हम भी ऐसे लोग हो सकते हैं, हम भी वो व्यक्ति हो सकते हैं जो बहुत सारी सेनाओं के बीच में अकेले हैं। और हमें जरूरत है प्रभु की कि प्रभु कब हमारे जीवन में आ जाए और हम वो सारे पत्थरों से आजाद हो जाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जल्दी से हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे और मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रभु यीशु आगे इसके आगे बढ़ेंगे। कब्रों, दिस मैन लिव्ड इन द टॉम्ब एंड नो वन कुड बाइंड हिम एनीमोर टू इवन विद अ चेन, जंजीरों से और साकलों से बांधा नहीं जा सकता था। नेक्स्ट करेंगे और उसके बाद हम देख और आगे बढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह जब वहां पर पहुंचा तो वो नाव भी साथ में थी जो प्रभु यीशु मसीह को फॉलो कर रही थी, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रही थी कि कब प्रभु यीशु मसीह का चमत्कार हमें देखने को मिले। और वो व्यक्ति इधर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, हालेलुया, वो व्यक्ति इस इंतजार में था कि कब मुझे वो मौका मिले कि मैं अपने पापों का पश्चाताप कर सकूं। हालेलुया। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपने किसी पागल व्यक्ति को देखा होगा तो उसको ये अंदाजा नहीं होता कि मेरे बाल बड़े हैं, मेरे नाखून बड़े हैं, कि मुझे नहाना है, कि मुझे खाना खाना है, कि मुझे कपड़े पहनने हैं। जो व्यक्ति असंतुलित होता है, जिसमें दिमाग की, जिसमें बुद्धि की कमी हो जाती है, जिसमें दुष्ट आत्माएं होती है, उसको अपने आप पे कंट्रोल नहीं होता। शैतान सिर्फ एक काम कर सकता है कि वो आपके शरीर को घात कर सकता है, वरन आपकी आत्मा को नुकसान पहुंचा सकता है। कब तक? जब तक आप प्रभु यीशु मसीह को अपनी आत्मा का अधिकार नहीं देते। कोई बोले हालेलुया। जब हम प्रभु को अपनी आत्मा का अधिकार दे रहे हैं तब क्या होता है? एक बार सिर्फ उसके पास एक मौका था कि मैं सिर्फ परमेश्वर के सामने अपने पापों का सारा वर्णन रख दूं। एक बार अगर हम देखते हैं, जैसे बहुत सारे प्रिजन जो जेल में कैदी होते हैं और जिनको सेंटेंस टू डेथ मिल रखा होता है, जिनको सिर्फ मौत ही मिलती है, उनको सिर्फ आखिरी ख्वाहिश मांगी जाती है कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। हालेलुया। शायद इसके पास भी सिर्फ वही मौका मिला होगा और इसके बाद शायद ये मर जाएगा क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक दुष्ट आत्मा नहीं है वरन बहुत सारी। जब यीशु मसीह जैसे ही उस नाव से नीचे उतरे तो इस व्यक्ति ने उसको देख लिया होगा। क्यों? पूछिए मुझसे क्यों? क्यों? जोर से बोले क्यों? क्यों? क्योंकि वहां पे कोई और आदमी था ही नहीं। हालेलुया। वो अकेला था जो कब्रों में और पहाड़ों में रहा करता था। और जब उसने वो दो तीन चार नाव आती हुई देखी होंगी और उसमें से उसने परमेश्वर के पुत्र को पहचान लिया, शैतान भी जानता है कि मेरा विरोधी कौन है, मेरे अगेंस्ट कौन है। हालेलुया। जब उसने परमेश्वर के पुत्र को देखा तो वो दूर से ही चिल्ला के बोला, हे परमेश्वर की संतान, मुझे तुझसे क्या काम? जी पढ़े क्या लिखा है, मैं यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा। वो यीशु को दूर ही से, बहुत दूर से देख लिया होगा और दौड़कर बोला, उसे
प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा हालेलुया तब अगर कोई किसी को प्रणाम कर रहा है या कोई किसी को गुड आफ्टरनून गुड नाइट या गुड मॉर्निंग कर रहा है इसका मतलब यह है कि उसको मालूम है कि ये एक जेस्चर है हालेलुया ये एक तरीका होता है किसी से मिलने का इसका मतलब यह है कि उस समय वो व्यक्ति सेंस में था हालेलुया जी और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा और ऊंचे शब्द शब्दों से चिल्लाकर बोला हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र मुझे तुझसे क्या काम उसे इस समय अभी यह एहसास नहीं है कि उसके अंदर दुष्ट आत्माओं की सेना हालेलुया उसको ये नहीं पता कि वो नव अवस्था में है उसको ये नहीं पता कि उसके बाल बिखरे हुए हैं लेकिन वो सिर्फ एक बात बोल रहा है कि हे यीशु परम प्रधान के पुत्र मुझे तुझसे क्या काम हालेलुया प्रेज लॉर्ड ये हमारे जीवन में होना चाहिए यह हमें सीखना है कि जब हम परमेश्वर से रूबरू होते हैं जब हम परमेश्वर के लोगों से रूबरू होते हैं तो सबसे पहले एक काम किया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम हालेलुया ये बहुत बार हमें नहीं सिखाया गया होता या हम सीखने की इच्छा नहीं रखते चाहे छोटा हो चाहे बड़ा प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम सलाम यहां पे ये चीज सीखने की अब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह मुझे तुझसे क्या काम जी आगे पढ़िए मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ जी कि मुझे पीड़ा ना दे मैं तुझे किसकी शपथ देता हूँ परमेश्वर परमेश्वर की शपथ दे रहा हूँ वो व्यक्ति यीशु मसीह को बोल रहा है कि मैं परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि तू मुझे पीड़ा मुझे दुख मुझे परम प्रधान के पुत्र यीशु मुझे तुझसे क्या काम मैं तो यहाँ अकेला ठीक था मैं तो कब्रों में यहाँ घूम रहा था मुझे कोई परेशानी नहीं थी मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा था मैं अकेला चिल्लाता था और घाव दे रहा था इस शरीर को मुझे कोई परेशानी नहीं थी पर ऐसा क्यों हुआ कि तू वहां से यहाँ पर मुझे परेशान करने आ गया हालेलुया जब परमेश्वर के लोग आपके घर में आएंगे तो आपको बहुत तकलीफ होगी जब तकलीफ हो तो समझ जाइए कि परमेश्वर के आत्मा आप में काम नहीं कर रही है हालेलुया अगर आपको अच्छा लगता है कि परमेश्वर के लोग आके आपके घर में आराधना कर रहे हैं प्रार्थना कर रहे हैं तो समझ जाइए कि परमेश्वर की आत्मा कार्य कर रही है अगर नहीं लगता है तो आप खुद चेक करें कि आप में कौन सी आत्मा काम कर रही है हालेलुया कोई जो यहां पर है बोले हालेलुया प्रेज लॉर्ड उसके बाद क्या हुआ कि जब वो जाकर हम बात कर रहे थे कि जिसके अंदर बहुत सारे दुष्ट आत्माएं हो या एक व्यक्ति जो मरने की कगार पे हो उसको पता होता है कि मेरा जीवन अब खत्म होने वाला है मेरे पास एक ही आशा है एक ही इच्छा मुझे मिली है और वो पूरी हो सकती है लेकिन उसके लिए मुझे यीशु मसीह के पास जाना पड़ेगा हालेलुया यदि कभी आपको ऐसा लगता है कि अब मेरे जीवन में आगे कुछ नहीं हो सकता या मेरा पाप का घड़ा भर चुका है या मेरे पाप की जितनी गिनतियां थी वो हो चुकी है अब मुझे स्वर्ग नहीं मिल सकता तो परमेश्वर से पुकारे कि परमेश्वर मुझे एक मौका और दे शिमशोन को एक मौका मिला हालेलुया दाऊद को एक मौका मिला और यहां पर इस व्यक्ति के पास एक मौका है हालेलुया प्रेज लॉर्ड और वो मौका क्या था कि जब यीशु मसीह वहां आए तब उस व्यक्ति को पता था कि ये है जो मुझे आजाद कर सकता है बोले यीशु यीशु आजाद कर सकता है आजाद कर सकता है और यीशु यीशु आजाद करता है हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड